एमपी की एक ऐसी वारदात जिसने ना केवल पुलिस को हैरान किया बल्कि पूरे शहर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बॉस की बीबी और उसके अंडर में काम करने वाला एक डॉक्टर और शहर में फैली सनसनी। जी हां, कहानी काफी हैरान करने वाली है, या वारदात की जो वजह थी वो काफी हैरान करने वाली थी। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के यानी एमपी के रीवा का है। यहां एक नशा मुक्ति में केंद्र करने वाले डॉक्टर के साथ मारपिटाई हो जाती है, और आप देखिए इस वारदात में ये एक हत्याकांड है। जिस शख्स की हत्या हुई वो थाने पहुंचता है और कौन लेके जाता है, जिन्होंने मारा, और उसके बाद उसका कत्ल हो जाता है। कैसे, क्या वजह थी और कौन है इसकी कहानी के पीछे, बॉस की बीबी का क्या एंगल है, साजिश में बॉस की बीबी की क्या ऐसी सोच थी जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल पुलिस के भी मुताबिक सामने आई जानकारी होता यह है कि रीवा के एक थाने में दो पक्ष पहुंचते हैं और उसमें से एक शख्स आरोप लगाता है कि ये जो डॉक्टर है इसने पत्नी से छिड़खानी की है, फोन पर मैसेज करता है, परेशान करता है दिन, इस चक्कर में विवाद हो गया है। तो पुलिस क्या करती है ऐसे केसेस में, शुरुआत में पुलिस दोनों पक्षों को बुलाती है, समझा देती है और छोड़ देती है कि आप अब दोबारा इस तरीके से मत करिएगा। तो इस केस में भी यही हुआ, पुलिस ने समझाइश दे के छोड़ दिया। अब वो शख्स जो छेड़खानी का आरोप लगाकर पहुंचे थे, उस पक्ष के लोग यानी वो पति जो आरोप लगा रहा था वो दरअसल इस डॉक्टर का बॉस था। मैंने बताया आपको नशा मुक्ति केंद्र में काम करता था डॉक्टर, उसका बॉस ही पहुंचा था शिकायत लेके कि मेरी पत्नी से ये छेड़खानी करता है। अब इनको लगा कि पुलिस ने तो छोड़ दिया, सही मामला तो यही हो गया। फिर कहानी में एक और मोड़ आता है, यही पक्ष जो है यानी कि बॉस उस डॉक्टर को फिर मारता है, और आप देखिए हैरानी की बात, जिन्होंने मारा वही अस्पताल पहुंचाते हैं ताकि पुलिस को शक ना हो, क्योंकि जिस जगह पर मारा था रात के अंधेरे में वहां पे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, तो इनको लगा पुलिस फिर आ गई, अब पुलिस देख लेगी कि मार रहे हैं, तो बाकायदा अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टर का कुछ समय इलाज चला लेकिन डॉक्टर की मौत हो जाती है। पुलिस के सामने जब यह केस आया तो काफी चैलेंजिंग था, पुलिस को कैसे पता चला, क्योंकि उस समय पता ही नहीं था कि किसने मारा, पुलिस निकल गई थी पेट्रोलिंग करते हुए आगे। एसपी बता रहे हैं कैसे ये केस सुलझा। जहां पे कार्य थे इनको वहां पे बुलाया गया है, और वहां पे जो जिनका प्रोजेक्ट मैनेजर नीलेश तिवारी जो है और जो शशांक तिवारी जो वहां डायरेक्टर है और दो अन्य व्यक्ति यानी जिसमें आपके राजकुमार तिवारी और प्रसून तिवारी है, इन लोग ने और एक महिला प्रियंका तिवारी, लोग ने मिलकर इनके साथ मारपीट की है, और जिसकी वजह से संभवतः इनकी मृत्यु कल रात में हो गई है। अभी पीएम चल रहा है, एग्जैक्ट कारण कैसे क्या हुआ है पुनः उसको देखा जाएगा। एक संभवतः ऐसा लग रहा है कि जो मारपीट हुआ था कुछ चोटें जो अंदरूनी लगी उसकी वजह से मृत्यु हुई है, इसलिए हमने इसमें पुरानी धारा 302 के अंतर्गत इसमें मामला 5 लोगों के विरुद्ध उसमें पंजीबद्ध किया है, और इसमें से 3 आरोपियों को हमने अभिरक्षा में लिया है, जिसमें प्रसून तिवारी, शशांक तिवारी और प्रियंका तिवारी को हमने अभिरक्षा में लिया है, 2 अन्य अभी फरार हैं। जो घटना का कारण समझ में आ रहा है वो ये है कि जो प्रसून तिवारी और इनकी परिवार है, इनको ये संदेह था कि ये व्यक्ति जो मृतक है ये इनकी वाइफ से बात करता था, कहीं ना कहीं गलत चीजें की बात करता था, और उसकी वजह से फिर इन्होंने इसको बुला के मारपीट किया। तो पुलिस के लिए चैलेंजिंग केस था, हालांकि जितने भी आरोपी हैं उन्होंने कबूल लिया अपना गुनाह। कुल 5 लोग आरोपी बनाए गए और इसमें गिरफ्तार वो भी हुई बॉस की पत्नी, यानी जो साजिश में शामिल थी और जिसके साथ छेड़खानी का आरोप लगा और डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया इन लोगों ने। हालांकि मामला कुछ हैरान करने वाला था, उलझाने वाला था, लेकिन पुलिस सुलझाने में कामयाब हो गई। रीवा से आप तक खबर पहुंचाई विजय कुमार ने, आप देखते रहे एमपी तक।